हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमसे यह कह रहे हैं कि सर किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, आप पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, किसी को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, वो लड़का चाहे एससी का हो, चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सभी लोगों का स्कॉलरशिप तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का आ रहा है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक बच्चे का फॉर्म है जहाँ पे इनका नाम किशोर कुमार है और ये एससी कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका डिस्ट्रिक्ट कमेटी द्वारा 10/2023 को ही वेरीफाई हो गया था, जहाँ पे इनको स्कॉलरशिप रिसीव हो चुका है, लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसी तरह से एक और बच्चा है, उसका स्कॉलरशिप नहीं मिला है, उसका सेम डेट को उसका भी वेरीफाई हो गया था, लेकिन उसको स्कॉलरशिप नहीं मिला था, उसने जो है स्कॉलरशिप कस्टमर सर्विस से कॉन्टेक्ट किया था। तो चलिए हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं कि आखिर वहाँ से मेल क्या आया है, सब कुछ सही रहने के बाद भी क्या मेल आता है, तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेंट का डेट देख लीजिए, 12/6/2023। उसके बाद जब इन्होंने मेल किया तो इनको क्या मिला है आप लोग देख सकते हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ। यहाँ पे क्या मिला है, उक्त शिकायत के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष संदर्भ 22-23 में जिन छात्र छात्राओं का डेटा वेरीफाई हो चुका है, ऐसे छात्र छात्राओं का बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषण निदेशालय स्तर से PFMS के माध्यम से प्रेषित किए जाने की संभावना है। यहाँ पे अभी तक संभावना जताई जा रही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंप्लेन किया कि सर मेरा सब कुछ जब सही है, मेरा जब नंबर भी 63% ज़्यादा है, तो मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिला है, तो इनको देख लीजिए यही मैसेज आया है कि अभी तक अभी संभावना जताई जा रही है कि अभी भी आपको मिल जाएगा। जिनका डेटा वेरीफाई हो चुका है, वह PFMS स्तर के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा एक और बच्चा है एससी कैटेगरी का जिन्होंने कंप्लेन किया था, चलिए उनका भी दिखाते हैं आपको मैसेज। यहाँ देखिए दोस्तों, यह दूसरा बच्चा है और इसका भी आप लोग देख लीजिए, 12/6/2023, दोनों सेम तारीख को ही कंप्लेन किए थे, जहाँ पे दोनों को एक साथ ही मेल आ गया था। तो आप लोग देख सकते हैं इसको क्या मैसेज आया है, सादर अवगत कराना है कि उक्त छात्र का डाटा जिला स्वीकृत समिति द्वारा वेरीफाई किया जा चुका है, स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर निदेशालय से प्रेषित की गई है, अतः स्कॉलरशिप के लिए गत वर्ष में 62.60% अंक होना आवश्यक है, गत वर्ष में प्रतिशत अंक कम होने के कारण निदेशालय स्तर से स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि स्कॉलरशिप धनराशि निदेशालय स्तर से सीधे स्टूडेंट के बैंक खाते में प्रेषित किए जाने की प्रावधान है, अधोरक्षधारी द्वारा कोई भी कार्रवाई किए जाना शेष नहीं है, उक्त छात्र की गत वर्ष पाठ्यक्रम में 62.39 होने के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्रेषित नहीं की जा चुकी है, अतः शिकायत की निक्षेपित करने का कष्ट करें। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इस बच्चे का 62.39 है, 62.39% मार्कशीट है, इसीलिए इसको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यही पे यहाँ पे साफ साफ कहा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं 62.60 यदि जिसी का है उसी को स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन इसके पहले मैंने जिस बच्चे का दिखाया था उसका 70+ मार्कशीट था, लेकिन उसको ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तक मतलब संभावना है कि आपके खाते में मतलब पैसा भेजा सकता है, लेकिन इस बच्चे की पूरी तरह से असंभावना खत्म हो चुकी है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको कन्फर्म हो गया है। तो यह बच्चा अपना उम्मीद छोड़ सकता है, लेकिन जिन जिन बच्चों के लिए मतलब जिन बच्चों का 63% से ऊपर मार्कशीट है, उनके लिए संभावना है कि उन्हें भी स्कॉलरशिप मिलेगी, आप लोग इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँगा, यदि वीडियो में कहीं भी गलती लगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे डाटा कलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, मेरा पूरा समय निकल जाता है दिन भर का। आप लोगों से क्या है, बस मेरा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाइयों, जब इस ऐसा डाटा में कहा जा रहा है कि PFMS के माध्यम से प्रेषित किए जाने की संभावना है, संभावना जताई जा रही है दोस्तों, इसलिए आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है यदि संभावना है तो सरकार जैसे ही अगली बजट पेश करेगी तो उसके हिसाब से बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा, आपको कभी भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि कभी भी नए नए अपडेट्स आते रहते हैं तो उसके हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो नए अपडेट की इंतजार करिए, जैसे ही नए अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा ऐसे भी। लेकिन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जिसका 63% से ऊपर है उसको ऐसा ही मेल आएगा, ऐसा ही मैसेज आएगा जब आपका डाटा वेरीफाई रहा होगा, तो यह कोई भी फेक मैसेज नहीं है दोस्तों, पूरी तरीके से सरकारी गवर्नमेंट द्वारा जो भेजा गया मैसेज वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर दिमाग में आपके कोई भी क्वेश्चन घूम रहा हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं सबसे पहले आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, और हमारे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।